मैं बीमार हूँ और मैं थक गया हूँ। ये थे वो आखिरी शब्द जो मलाइका अरोड़ा के पिता ने फोन करके उन्हें आखिरी बार कहे थे। जी हाँ, बालकनी से कूदकर खुद की जान लेने से पहले मलाइका के पिता ने लास्ट फोन कॉल अपनी दोनों बेटियों को किया था, मलाइका और अमृता को। मलाइका के पिता ने अपनी दोनों बेटियों को निधन से पहले फोन किया और उनसे कहा कि अब मैं बीमार रहता हूँ और मैं थक गया हूँ, बस। मलाइका और अमृता ये समझ ही नहीं पाए कि मैं थक गया हूँ का मतलब ये है कि अब मैं जाना चाहता हूँ। मलाइका और अमृता ये समझ ही नहीं पाए कि मैं थक गया हूँ का मतलब ये है कि मैं छठे माले से छलांग लगाने वाला हूँ। दोनों अदाकाराएं ये समझ ही नहीं पाई कि मैं थक गया हूँ का मतलब ये है कि वो फोन कॉल उनकी उनके पिता से आखिरी बातचीत है। इस लास्ट फोन कॉल के सामने आने से पहले मलाइका की मां ने इस बात का खुलासा किया था कि अनिल मेहता को कोई भी मेंटल इलनेस नहीं थी, उन्हें घुटनों से संबंधित बीमारी रहती थी, उन्हें चलने फिरने में तकलीफ होती थी, उठने बैठने में दर्द होता था। बता दें कि बढ़ती उम्र के कारण मलाइका के पिता को अस्पताल में भर्ती भी किया गया था। कुछ समय तक मलाइका के पिता अस्पताल में भर्ती रहे। तो क्या बढ़ती उम्र की बीमारियों की वजह से अपनी जिंदगी से परेशान होकर अनिल मेहता ने अपनी जिंदगी को खत्म किया? क्या मलाइका अरोड़ा के पिता अपनी बीमारियों से निजात पाना चाहते थे इसलिए उन्होंने खुदकुशी कर ली? फिलहाल पुलिस इस मामले में इन्वेस्टिगेट कर रही है और पुलिस की फाइनल रिपोर्ट सामने आने के बाद ही पता चलेगा कि इस मामले का असली सच क्या है। लेकिन पिता की खुदकुशी के बाद मलाइका और अमृता के मन में यकीनन जिंदगी भर का गिल्ट रह गया होगा। दोनों बेटियां ये सोचती होंगी कि काश हमने मैं थक गया हूँ का मतलब समझा होता। दोनों बेटियां ये सोचती होंगी कि काश हमने पापा से और बात की होती, उन्हें समझाया होता। क्योंकि खुद की जान लेने वाला तो चला जाता है, लेकिन अपने पीछे उन लोगों को हजारों मौत मरने को छोड़ जाता है जिनके मन में कई अफसोस, कई सवाल घर कर जाते हैं। फाइनल कट, न्यूज़ डेस्क।